Hello students, in this video lecture we are going to learn about the glycolysis. Glycolysis is the breakdown of glucose. Glycose stands for glucose and lysis stands for breakdown. The glycolysis ka jo portion hai, that is related with the carbohydrate metabolism or more specifically glucose metabolism. तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में हम ग्लूकोज के सिंथेसिस और ग्लूकोज के ब्रेकडाउन दोनों की बात करते हैं. तो ग्लाइकोलाइसिस का जो पोर्शन है दैट इज एक्चुअली रिलेटेड विद इट्स ब्रेकडाउन पोर्शन. ग्लाइकोलाइसिस सेल्स में कहाँ होता है, किस तरह से इसको रेगुलेट किया जाता है, कब होता है, क्या इसकी रिक्वायरमेंट है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, कौन कौन सी रिएक्शंस होती हैं जो इसमें होती हैं, कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं जो इसको कंट्रोल करते हैं, ये सारा हम इसको यहाँ पे सीखेंगे. तो ग्लाइकोलाइसिस को दो पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया है. पार्ट वन, इसमें हम एक बेसिक कॉन्सेप्ट मेटाबॉलिज्म का देखेंगे कि मेटाबॉलिज्म जो हम शब्द यूज करते हैं इसका क्या मीनिंग होता है. दूसरा, ग्लाइकोलाइसिस का एक ओवरव्यू हम स्टडी करेंगे. सेकेंड पार्ट जो है इसका, उसमें हम इसकी डिटेल्ड में वन बाय वन रिएक्शंस को स्टडी करेंगे, उनका क्या रेगुलेशन होता है, क्या इंपॉर्टेंस है, एनर्जी प्रोडक्शन है तो क्या उसका स्टेटस है, वो सारा हम इसमें देखेंगे. सो लेट्स बिगिन विद द ग्लाइकोलाइसिस पार्ट वन. सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है, मेटाबॉलिज्म का बेसिक कंसेप्ट क्या है. क्योंकि आप किसी भी टाइप की मेटाबॉलिज्म को स्टडी करें, चाहे आप फैट को पढ़ें, कार्बोहाइड्रेट या लिपिड को स्टडी करेंगे, तो बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो सबके लिए सिमिलर होता है. मेटाबॉलिक पाथवेज जो है एक्चुअल में ये एक ब्रॉड टर्म है जिसमें हम किसी भी मॉलिक्यूल के डिग्रेडेशन की भी बात करते हैं और उसके एनाबॉलिज्म की भी बात करते हैं. देखिए, सेल में ऐसा नहीं होता है कि कोई मॉलिक्यूल डिग्रेड हो रहा है, ठीक है, उसका सिंथेसिस नहीं हो रहा है. कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म, डिग्रेडेशन या सिंथेसिस जो प्रोसेस हैं, ये सेल की नीड के अकॉर्डिंग या उसकी जो भी एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं उसके अकॉर्डिंग चलता है. दूसरी एक बात जो हमें ध्यान में रखनी है कि सेल हमेशा एक इकोनॉमिक वे में अपने आप को रखती है. इकोनॉमिक वे में उसकी जो एनर्जी है वो है, या डिफरेंट जो कॉम्पोनेंट्स हैं वो एक इकोनॉमिक वे में अपने उनको यूटिलाइज करती है. बहुत ज़्यादा नहीं होता, बहुत कम नहीं होता, जितनी इसको ज़रूरत होती है वो उतना सिंथेसाइज करती है. तो मेटाबॉलिज्म जो है उसमें कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म, ये दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली रन कर रहे होते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ ए पर्टिकुलर सेल. कैटाबॉलिज्म पाथवे जो है ये आपके डिग्रेडेशन से रिलेटेड होता है. यानी हम यहाँ पे डिग्रेडेशन की बात करेंगे, हम यहाँ पे ऑक्सीडेशन प्रोसेस की बात करेंगे. वेयर इज एनाबॉलिक पाथवेज आर रिलेटेड विद द सिंथेसिस ऑफ मॉलिक्यूल्स, जहाँ पे कि हम रिडक्शन जैसे शब्दों को यूज में लेते हैं, ठीक है. तो कैटाबॉलिज्म या एनाबॉलिज्म दोनों में ही क्या होता है, या तो हम एनर्जी की बात करते हैं या हम किसी प्रिकर्सर मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, ठीक है. तो आपके जो कैटाबॉलिज्म प्रोसेस होता है ये एक्सर्गोनिक नेचर के होते हैं, यानी यहाँ से सिस्टम को एनर्जी रिलीज होती है. जो भी मॉलिक्यूल्स हैं, हायर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं, उनको जब हम ब्रेक डाउन करते हैं तो एनर्जी सिस्टम को मिलती है. जबकि एनाबॉलिक पाथवेज जो होते हैं यहाँ पे सिस्टम को एनर्जी देनी पड़ती है. सिंथेसिस प्रोसेस जो होता है उसमें हमें सिस्टम को एनर्जी खर्च करनी पड़ती है. दिस इज द बेसिक डिफरेंस. कैटाबॉलिज्म पाथवे यानी हम कहते हैं कि सिस्टम को एनर्जी मिलती है, तो कहाँ से मिलती है, मॉलिक्यूल्स में एनर्जी कहाँ से आती है, किस फॉर्म में एनर्जी प्रेजेंट होती है, ये हमें एक थोड़ा सा हमारे दिमाग में क्लियर होने चाहिए ये पॉइंट्स. क्योंकि जब हम फैट, कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन मेटाबॉलिज्म को स्टडी करेंगे तो वहाँ पे हमें वी आर नॉट रिक्वायर्ड टू क्रैम ऑल द स्टेप्स. एक अगर हमें बेसिक कॉन्सेप्ट पता है कि हम क्या करने जा रहे हैं, हमें ये हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं या आगे क्या होने वाला है, तो हमें थोड़ा सा इजी हो जाता है बायोकेमिस्ट्री को पढ़ना. देखिए, जो भी हमारे मॉलिक्यूल्स हैं, जो भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे कि अगर हम ग्लाइकोलाइसिस को पढ़ रहे हैं तो अभी हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स की. कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स आपके पॉलीसेकेराइड या ऑलिगोसेकेराइड्स होते हैं. जब आप इनका ब्रेकडाउन करते हैं, लाइक आपने ग्लाइकोजन लिया या स्टार्च लिया, इनका जब हम ब्रेकडाउन करते हैं तो हमें क्या होता है, सिंपलर कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है. सिंपलर कंपाउंड्स जो है ये मोनोसेकेराइड्स, जैसे आपने ग्लूकोज की बात की. तो जब कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन होता है तो उससे हमें सिंपलर कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है. तो एनर्जी कहाँ कहाँ से आती है, एनर्जी इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ आइदर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन और हाइड्रेडाइन और हाइड्रोजन आयन. क्लियर, यानी जो भी हमारे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं उसमें एनर्जी मेजर फॉर्म अगर हम देखते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में एनर्जी प्रेजेंट होती है.
इन मॉलिक्यूल्स का जब ब्रेकडाउन होता है, यानी ब्रेकडाउन कैसे हो रहा है, यहाँ से हम एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्वेंच करते हैं, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स की बात करें तो यहाँ पे जो लार्जर मॉलिक्यूल्स हैं, जब हमें हमारी सेल को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो यहाँ से एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्वेंच किए जाते हैं, और ये जो क्वेंचिंग का प्रोसेस होता है ये स्पेसिफिक एंजाइम्स के थ्रू किया जाता है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स को क्वेंच करते हैं ये एंजाइम्स कहलाते हैं आपके डीहाइड्रोजिनेसिस एंजाइम्स। आप जहाँ भी कहीं डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन का रिमूवल होगा, डीहाइड्रोजिनेज, ठीक है, इसका नाम भी यही, तो हाइड्रोजन का रिमूवल होगा, ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म हो गया या हाइड्राइड फॉर्म हो गया। हाइड्राइड में हाइड्रोजन के पास में निगेटिव चार्ज होता है और हाइड्रोजन के फॉर्म में ये यहाँ से रिलीज किए जाते हैं, और इनको फिर फर्दर यूनिवर्सल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स के थ्रू एक्सेप्ट किया जाता है। तो यूनिवर्सल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स आपके होते हैं एनएडी, एफएडी या एनएडीपी। हमेशा डिहाइड्रोजनीज एंजाइम जब इलेक्ट्रॉन्स को क्वेंच करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स उनको एक्सेप्ट करते हैं और अपने पास रखते हैं। इनके पास से इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वे फर्दर एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन प्रेजेंट होती है हमारी सेल में, वहाँ पे जाते हैं और वहाँ से फिर ये इलेक्ट्रॉन्स एक कॉम्प्लेक्स के थ्रू रन करते हुए एटीपी का सिंथेसिस करते हैं। एटीपी इज अ यूनिवर्सल एनर्जी कॉइन। हमारी बॉडी में, हमारी सेल्स में जो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं उन सब के लिए जो एनर्जी मिलती है, उन सब के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है, दैट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स। तो अल्टीमेटली गोल जो हमारे फूड जो हम लेते हैं, एनर्जी हम जो डिफरेंट टाइप की वेराइटी फूड लेते हैं, एसेंशियल बायोमोलिक्यूल्स लेते हैं, उन सब का प्राइमरी फंक्शन अगर हम देखते हैं इट्स टू प्रोवाइड एनर्जी। तो एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए डिफरेंट एंजाइम्स लाइक डिहाइड्रोजनेज वो इलेक्ट्रॉन्स को क्वेंच करते हैं, यूनिवर्सल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स को डोनेट करते हैं, और यहाँ से यूनिवर्सल जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स होते हैं ये कॉम्प्लेक्स के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करवाते हैं और फिर फर्दर आपके एटीपी मॉलिक्यूल्स का जनरेशन होता है। दिस इज द मेन गोल ऑफ आर फूड। कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं या प्रोटीन ले रहे हैं या फैट ले रहे हैं, तो ये सभी आपको क्या प्रोवाइड कराते हैं, एटीपी प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। तो ये हमने बात की कैटाबॉलिक प्रोसेस की। एनाबॉलिक प्रोसेस इसके जस्ट रिवर्स होता है। यहाँ पे क्या होता है, हम सिंथेसिस की बात करते हैं, यानी सिंपलर कंपाउंड्स जो हैं इनसे हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के फॉर्मेशन की बात करते हैं। तो यहाँ से यहाँ पे सिस्टम को एनर्जी देनी पड़ती है, और सिस्टम को एनर्जी अगेन कैसे देनी पड़ती है, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो यहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन डोनर्स होंगे, ठीक है, NADH2, FADH2 एंड NADPH2, ये आपके इलेक्ट्रॉन डोनर्स होते हैं, ये आपके सिंपलर कंपाउंड को एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं जिससे कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। सो दिस इज ए ये आपके कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म दोनों बैलेंस में चलती हैं सेल में। ऐसा कभी भी नहीं होता कि सिर्फ कैटाबॉलिज्म चल रहा है, ऐसा कभी भी नहीं होता कि सिर्फ एनाबॉलिज्म चल रहा होता है। दोनों का एक वर्किंग बैलेंस होता है सेल में, एनर्जी और डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का एक बैलेंस हमेशा प्रेजेंट रहता है। नाउ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म प्रोसेस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं जो आपको लगभग हर तरह के मेटाबॉलिज्म में देखने को मिलेगा। मोस्टली जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं ये इरिवर्सिबल होते हैं। देखिए, मेटाबॉलिज्म जब हम पढ़ते हैं तो हम दो टर्म्स को यूज़ करते हैं, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल मीन्स जो वापस नहीं जा सकती, दैट मीन्स कि प्रोडक्ट जो है वो वापस से सब्सट्रेट को सिंथेसाइज नहीं कर सकता। रिवर्सिबल मीन्स ऐसा नहीं होता है, प्रोडक्ट और सब्सट्रेट रिवर्स हो सकते हैं। तो रिवर्सिबिलिटी और इरिवर्सिबिलिटी इज एक्चुअली रिलेटेड विद द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टू कार्बो सब्सट्रेट एंड प्रोडक्ट। अगर एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा है तो प्रोसेस कैसा होगा, इरिवर्सिबल होगा, और एनर्जी डिफरेंस अगर कम है या जीरो है तो प्रोसेस कैसा होगा, रिवर्सिबल प्रोसेस होगा, ठीक है। एवरी मेटाबॉलिक पाथवे हैज ए कमिटेड स्टेप एंड एवरी मेटाबॉलिक पाथवेज आर रेगुलेटेड। देखिए, दोनों में बहुत डिफरेंस है। रेगुलेटेड मींस आप इसको कंट्रोल कर सकते हो, आप इसको बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो, रोक सकते हो, ठीक है। कमिटेड स्टेप का मतलब होता है कि पूरे मेटाबॉलिज्म में कोई एक पाथवे या कोई एक स्टेप ऐसा होता है जिसकी वजह से फिर वो फर्दर जो भी रिएक्शन है दैट हैज टू बी कमिटेड इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन, वो उसी डायरेक्शन में रन करेगी। जैसे कि ग्लाइकोलिसिस में भी हम देखेंगे कि एक पर्टिकुलर स्टेप होता है, उसके बाद में एक सेल को ग्लाइकोलिसिस को ही रन करवाना जरूरी हो जाता है, उसके अलावा उसके पास में कोई ऑल्टरनेटिव फेट होता नहीं है, ठीक है। तो एक कमिटेड स्टेप होगा जिसकी वजह से रिएक्शन पर्टिकुलर उसी डायरेक्शन में रन करेगी।
फोर्थ लास्ट बट नॉट लीस्ट इम्पॉर्टेंट दैट इज द मेटाबॉलिक पाथवेज इन यूकैरियोटिक सेल्स अकर इन अ स्पेसिफिक सेल्युलर लोकेशन। ये हमें हमेशा पता होना चाहिए कि कैटाबॉलिज्म प्रोसेस और एनाबॉलिज्म प्रोसेस के सेल्युलर लोकेशंस अलग अलग होती हैं। मोस्टली सिंथेटिक प्रोसेस या एनाबॉलिज्म प्रोसेस जो होता है ये साइटोसल में रन करता है, वेयर इज द डिग्रेडेशन प्रोसेस जो होते हैं ये किसी कन्फाइंड एरिया में होते हैं, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया में होंगे या आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, पेरोक्सिसोम्स में आप बात करते हैं, ठीक है, लाइसोसोम्स में आप बात करते हैं। इस तरह से डिग्रेडेशन का प्रोसेस जो होता है वो किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनेली में होगा, लेकिन सिंथेटिक प्रोसेस ऑलवेज अकर इन द साइटोप्लाज्म। अब हम देखेंगे ग्लाइकोलिसिस के बारे में। तो ग्लाइकोलिसिस इज ऑल्सो नोन एज एम्बिडेंट मेरोफ पाथवे और ईएमपी पाथवे। इट इज डिफाइंड एज द सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन कन्वर्टिंग द ग्लूकोज और ग्लाइकोजन टू पाइरुवेट और लैक्टेट विद द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। तो हम इस पूरे प्रोसेस में हम क्या कर रहे होते हैं, ग्लूकोज को ब्रेक कर रहे होते हैं और अल्टीमेटली एटीपी को प्रोड्यूस करवा रहे होते हैं। दिस इज द मेन मेन थीम या मेन आपका कोर्स है जिसको आपको समझना है कि आपको ग्लूकोज को ब्रेक करके और आप एटीपी को सिंथेसाइज करवा रहे हैं। कहाँ पे होती है रिएक्शन, साइटोसोल में होती है, एंजाइमेटिकली रेगुलेटेड होती है। जो भी मेटाबॉलिज्म होती है ये कैसे होती है, हाईली कोऑर्डिनेटेड होती हैं, हाईली रेगुलेटेड होती हैं। रिएक्शंस इवन सीक्वेंशनल रिएक्शंस होती हैं। अच्छा, रिएक्शंस में भी साइक्लिक हो सकती हैं और लीनियर भी हो सकती हैं, ठीक है। तो दोनों फॉर्म्स में रिएक्शंस की अपनी इंपॉर्टेंस है। मेजर पाथवेज जो हैं, एक्चुअली ग्लाइकोलिसिस आपका यूनिवर्सल प्रोसेस है, मतलब आप इसको एनिमल्स में भी पढ़ते हैं, प्लांट्स में भी पढ़ते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में भी हम इनको पढ़ते हैं। तो सेल में एनर्जी को प्रोवाइड कराने के लिए ग्लाइकोलिसिस एक यूनिवर्सल प्रोसेस है। एरोबिक कंडीशन हो, एनारोबिक कंडीशन हो, किसी भी टाइप की सेल हो, आपको ग्लाइकोलिसिस वहाँ ज़रूर देखने को मिलता है, ठीक है। तो कुछ ऐसी सेल्स होती हैं जो टोटली अपनी एनर्जी के लिए ग्लाइकोलिसिस पर डिपेंड करती हैं। ये वो सेल्स होती हैं जहाँ पे कि या तो सेल ऑर्गेनिल्स ही प्रेजेंट नहीं होते हैं, लाइक इरिथ्रोसाइट्स, मैच्योर आरबीसी, वहाँ पे न्यूक्लियस भी नहीं होता और बाकी जो सेल ऑर्गेनिल्स होते हैं वो भी मोस्टली सेल ऑर्गेनिल्स यहाँ पे नहीं होते। इसके अलावा कॉर्निया, लेंस एंड ब्रेन, ब्रेन भी आपका मोस्टली आपके कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पे डिपेंड करता है, यानी ग्लाइकोलिसिस पे डिपेंड करता है। ग्लूकोज को ही एज ए एनर्जी या ग्लूकोज को ही एज ए वो एनर्जी रिजर्व वो एक्सेप्ट करता है। कुछ वो फैट को लेता है जैसे कि कीटोन बॉडीज, इस नॉर्मली जो है ब्लड ग्लूकोज लेवल पे ही डिपेंड करता है ब्रेन। इट इज़ एसेंशियल फॉर द ब्रेन विच इज़ डिपेंडेंट इन द ग्लूकोज फॉर एनर्जी। ये हम डिस्कस कर चुके हैं, यानी आप बहुत लंबे आपने फास्ट किया हुआ है या आपको आप बहुत टाइम से आपने फास्ट किया हुआ है तो आप क्या लेंगे, आप घी नहीं पियेंगे, आप प्रोटीन नहीं खाएंगे, आप क्या लेते हैं, ग्लूकोज लेते हैं, क्योंकि वो आपको इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड कराता है। आपकी ब्रेन सेल्स जो होती हैं वो ब्लड में ग्लूकोज लेवल को सेंस करती हैं। ग्लूकोज का लेवल कम होते ही आप फेंट होने जैसा फील करते हैं। तो ये ग्लाइकोलिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। एनी एंजाइम जो ग्लाइकोलिसिस से रिलेटेड हो अगर उसमें डेफिशिएंसी हो जाती है तो वी कैन नॉट सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम। ग्लाइकोज, ग्लाइकोज स्वीट स्लाइसिस स्प्लिटिंग, दिस इज द ओवरऑल एनर्जी स्टेटस ऑफ द ग्लाइकोलिसिस रिएक्शन। स्टैंडर्ड कंडीशन जो है ग्लाइकोलिसिस इज एन एक्सर्गोनिक रिएक्शन, सिस्टम को एनर्जी प्रोवाइड करती है विच टेंड्स टू बी इरिवर्सिबल बिकॉज ऑफ द नेगेटिव डेल्टा जी। यहाँ पे हम दो चीज़ों को फोकस करना चाहेंगे कि जो भी आपके प्रोसेस होती हैं या तो वे थर्मोडाइनेमिकली फेवरेबल होंगी या थर्मोडाइनेमिकली अनफेवरेबल होंगी, यानी सिस्टम वो फेवर करेगा उस रिएक्शन को या वो उसको नहीं फेवर करेगा। तो यहाँ पे आपके गिब्स फ्री एनर्जी का एक टर्म आता है डेल्टा जी। तो डेल्टा जी अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या है कि सिस्टम को एनर्जी मिल रही है, और अगर सिस्टम को एनर्जी मिल रही होती तो सिस्टम उस रिएक्शन को फेवर करता है, यानी वे सभी रिएक्शंस जिसमें कि डेल्टा जी नेगेटिव है उसको सिस्टम फेवर करता है, वो रिएक्शन अपने आप होती हैं। उस रिएक्शन को रन कराने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स की ज़रूरत नहीं होती है, एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं लेकिन वो रिएक्शंस ऑटोमेटिकली होती हैं या वो रिएक्शंस स्पॉन्टेनियस होती हैं, ठीक है। जिसमें डेल्टा जी पॉजिटिव होता है वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन नहीं कहलाती है।
यहाँ पे हम देखेंगे फेट ऑफ द ग्लूकोज इन लिविंग ऑर्गेनिज्म. ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स जो हैं दे कैन बी आइदर इन द दे कैन बी फंक्शंस एज अ स्टोरेज फॉर्म लाइक ग्लाइकोजन, स्टार्च और सुक्रोज. इनके फॉर्म में इनको स्टोर किया जा सकता है और अदरवाइज इनका ऑक्सीडेशन हो सकता है. तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस यहाँ पे दो दिए हुए हैं, ऑक्सीडेशन बाय द ग्लाइकोलिसिस. अगर ग्लाइकोलिसिस के थ्रू ऑक्सीडेशन होता है तो पाइरुवेट का सिंथेसिस होता है, और ऑक्सीडेशन प्रोसेस अगर पेंटोज फॉस्फेट पाथवे के थ्रू होता है तो इसमें राइबोस 5 फॉस्फेट का सिंथेसिस होता है. तो इनमें से कौन सा ऑक्सीडेशन पाथवे रन करेगा ये डिपेंड करता है कि सेल की रिक्वायरमेंट क्या है. अगर सेल को एनर्जी चाहिए तो पाइरुवेट बनेगा, और अगर सेल बहुत ज़्यादा फ्री रेडिकल्स के कॉन्टेक्ट में है, अगर सेल्स में बहुत ज़्यादा रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स हैं तो राइबोस 5 फॉस्फेट का सिंथेसिस होगा वाया द पेंटोज फॉस्फेट पाथवे. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इस पर बहुत क्वेश्चंस बनते हैं आपके. यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ग्लूकोज से पाइरुवेट का सिंथेसिस होता है, ठीक है. ग्लूकोज मॉलिक्यूल 6 कार्बन का होता है, तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से आपके दो पाइरुवेट मॉलिक्यूल का सिंथेसिस होता है ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में, जिसको हम डिटेल में अभी देखेंगे. पाइरुवेट बनने के बाद ग्लूकोज का क्या फेट हो सकता है, ठीक है. तो पाइरुवेट तो आपने बना दिया, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस का जो प्रोसेस होता है वो ऑक्सीजन पे डिपेंड नहीं करता है. यानी यहाँ पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस हो या एब्सेंस हो, एरोबिक कंडीशन हो या एनएरोबिक कंडीशन हो, ग्लाइकोलिसिस रन करता है और ग्लूकोज से पाइरुवेट का सिंथेसिस होता है. लेकिन पाइरुवेट बनने के बाद एरोबिक कंडीशन या एनएरोबिक कंडीशन, इन दोनों से फर्क पड़ता है, ठीक है. अगर एरोबिक कंडीशंस हैं तो पाइरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम ए का सिंथेसिस होता है बाय द सिट्रिक एसिड साइकिल, इसको भी हम डिटेल में लेंगे. और सिट्रिक एसिड साइकिल एसिटाइल कोएंजाइम ए से फिर फर्दर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल का सिंथेसिस होता है बाय द सिट्रिक एसिड साइकिल, ठीक है. तो ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है ये आपका एरोबिक कंडीशन में होता है. अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तभी पाइरुवेट आपका कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल में डिग्रेड होता है. ये प्रोसेस आपका एनिमल्स में, प्लांट्स में, माइक्रोब्स में अंडर एरोबिक कंडीशंस में रन करता है. यानी ये भी एक तरह से आपका यूनिवर्सल प्रोसेस है. सिट्रिक एसिड साइकिल जो होती है एक सेंट्रल मेटाबॉलिज्म होती है, जिसमें आपके सभी तरह के जो भी मेटा बायोमोलिक्यूल्स हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट या प्रोटीन्स, ये सभी आपके सिट्रिक एसिड साइकिल को अल्टीमेट फेट जो होता है वो इनका सिट्रिक एसिड साइकिल पे आता है. अब हम यहाँ पे पैरेलल में दो रिएक्शंस देखते हैं जो कि एनएरोबिक कंडीशंस में होती हैं. एनएरोबिक कंडीशन की बात अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में, यीस्ट में करते हैं, तो वहाँ पे आप फर्मेंटेशन प्रोसेस को देख रहे हैं. तो एनएरोबिक कंडीशन अगर यीस्ट में है तो वहाँ पे क्या है, फर्मेंटेशन प्रोसेस है. फर्मेंटेशन प्रोसेस में आपके अल्कोहल का प्रोडक्शन होता है. दिस इज द बेसिक मैकेनिज्म दैट इज रिलेटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ बियर और बेकिंग जो होता है, जिसमें कि जो आपके ब्रेड्स वगैरह हैं जिसमें जो फूल जाती हैं वो जो एक प्रोसेस है, या आपका शैम्पेन का शैम्पेन जो एक आपका फ्लो करता है उसकी जो एक प्रोसेस है, जो एक बेसिक जो मैकेनिज्म है वो फर्मेंटेशन या वो लिब्रेशन ऑफ CO2 से रिलेटेड है. जो फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है उसमें आपका CO2 बनता है. तो जो इस तरह के जो रिएक्शंस आपको, इस तरह के जो चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं वो फर्मेंटेशन प्रोसेस की वजह से होते हैं. सेकेंड आप एनारोबिक कंडीशन देख पा रहे हैं, इसमें आपके लैक्टेट का प्रोडक्शन होता है, ठीक है. तो लिविंग बॉडी में एनारोबिक कंडीशंस कैसे जनरेट हो सकती हैं? एनारोबिक कंडीशंस जब हम डीप डाइविंग में जाते हैं तब हो सकती हैं, या हायर एल्टीट्यूड वहाँ पे हो सकती है, या आपके जो भी ट्यूमर सेल्स होती हैं, ट्यूमर सेल्स जो फास्ट डिवाइडिंग सेल्स होती है वहाँ पे आपके एनारोबिक कंडीशन जनरेट हो सकती है. इसके अलावा हमने कहा RBC में माइटोकॉन्ड्रियाज वगैरह नहीं होते हैं, तो वहाँ पे भी क्या होता है, आपका एरोबिक कंडीशन होते हुए भी वहाँ पे क्या होगा, आपका सिट्रिक एसिड साइकिल रन नहीं करता और पाइरुवेट से लैक्टेट का प्रोडक्शन होता है, ठीक है. तो ये आपका पाइरुवेट का फेट है कि अगर एनारोबिक कंडीशन है या एरोबिक कंडीशन है तो ग्लूकोज का अल्टीमेटली क्या क्या होने वाला है. ग्लूकोज से पाइरुवेट बनना तो सभी में होगा, अनकंडीशनल है ये, ठीक है, यूनिवर्सल प्रोसेस है. लेकिन फर्दर पाइरुवेट से क्या होगा, तो इस तरह से हम देखते हैं कि ग्लूकोज का अगर एरोबिक कंडीशन में डिग्रेडेशन होता है तो हमें ज्यादा ATP मॉलिक्यूल्स मिलते हैं एज कंपेयर टू द एनारोबिक डिग्रेडेशन. देयर आर इन जनरल एक ओवरव्यू हम देखते हैं ग्लाइकोलिसिस रिएक्शन का. तो 10 रिएक्शंस होती है इन टोटल, इसे हम दो स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हैं, Stage 1 and Stage 2. Stage 1 इसमें रिएक्शन 1 to 5 होती है और इसको हम कहते हैं प्रिपरेटरी फेज. तो प्रिपरेटरी फेज में क्या होता है, जो प्रोसेस होता है उसमें बेसिकली फॉस्फोराइलेशन होता है,
और फ्रक्टोज में कन्वर्जन होता है। इसके अलावा ग्लिसरेडीहाइड 3-फॉस्फेट मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इस पूरे प्रोसेस में हमारे दो एटीपी मॉलिक्यूल सिस्टम के वो इन्वेस्ट किए जाते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, प्रिपरेटरी फेज। हम सेकेंड जो स्टेज होती है दैट इज नोन एज पे ऑफ फेज। यहाँ पे सिस्टम को वापस से एटीपी जनरेट होते हैं, ठीक है। तो टू मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लिसरेडीहाइड 3-फॉस्फेट आर कन्वर्टेड टू पाइरूवेट with concomitant generation of 4 ADP molecules and 2 molecules of NADH। तो इस वाले जो स्टेज है इसमें हम देखेंगे ये ग्लिसरेडीहाइड 3-फॉस्फेट जो कि दो मॉलिक्यूल थे इनसे पाइरूवेट के दो मॉलिक्यूल्स का प्रोडक्शन होता है और इसी के साथ 4 मॉलिक्यूल्स ATP के और 2 मॉलिक्यूल्स NADH के जनरेट होते हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें तो देर इज अ नेट गेन ऑफ 2 ATP मॉलिक्यूल पर मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इन ग्लाइकोलाइसिस, यानी एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज से हमें 4 ATP मॉलिक्यूल्स बनते हैं, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 पाइरूवेट के मॉलिक्यूल्स बनते हैं और 4 ATP मॉलिक्यूल्स बनते हैं, साथ में NADH का जनरेशन होता है, ठीक है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें हर मेटाबॉलिज्म में याद रखना है, फॉस्फोरिलेशन प्रोसेस। देखिए जैसे ही हमारी बॉडी में हमारी सेल्स में ग्लूकोज एंटर करता है, हमने खाना खाया, हमारी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल हाई हुआ, अब ये ग्लूकोज हमारी सेल्स में एंटर करता है, ठीक है। इसके एंटरिंग के लिए हमारी सेल्स में ट्रांसपोर्टर्स प्रेजेंट होते हैं। हर एक ऑर्गन की सेल्स में अलग अलग तरह के ट्रांसपोर्टर्स होते हैं जो कि रिस्पॉन्स करते हैं ग्लूकोज की कंसेंट्रेशन ब्लड में कैसी है। तो जैसे ही ब्लड में ग्लूकोज की कंसेंट्रेशन हाई होती है, इन ट्रांसपोर्टर्स के थ्रू ब्लड से ग्लूकोज सेल्स में ट्रांसफर होता है और जैसे ही वो सेल्स में ट्रांसफर होता है फटाफट से उसका फॉस्फोराइलेशन कर दिया जाता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, फॉस्फोराइलेशन वाली जो इवेंट होती है। एक्चुअली इस इवेंट के थ्रू सेल्स अपनी एनर्जी को इकोनॉमिक वे में खर्च कर रही होती है। किस तरह से, जैसे ही ग्लूकोज सेल में आता है और उसका फॉस्फोराइलेशन कर दिया जाता है, तो ये हमें पता है कि जो भी नेगेटिव जो भी चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं वो सेल्स को सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकते विदाउट द एड और विदाउट एनी हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टर्स, ठीक है। तो जैसे ही ग्लूकोज आता है उसको फॉस्फोराइलेट करके उसको चार्ज पार्टिकल बना दिया जाता है, नेगेटिव चार्ज हो जाता है। अब ये जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है ये सेल से बाहर नहीं जा सकता। तो इस तरह से सेल में फॉस्फोराइलेटेड ग्लूकोज मॉलिक्यूल को रिटेन करने के लिए सेल को एक्स्ट्रा एनर्जी एक्सपेंड नहीं करनी पड़ती, ठीक है। दूसरा, सेल की ऑस्मोलिटी भी मेंटेन रहती है, यानी ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जैसे ही बॉडी सेल में आता है या तो उसको स्टोर कर दिया जाता है, उसको पॉलीमराइज कर दिया जाता है, ग्लूकोज ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल्स में बदल दिया जाता है या फिर उसको फॉस्फोराइलेट कर दिया जाता है। तो सिंपल ग्लूकोज मॉलिक्यूल की या फ्री ग्लूकोज मॉलिक्यूल की कंसेंट्रेशन सेल में हमेशा कम होती है एज कम्पेयर टू द ब्लड। तो इस वजह से क्या होता है कि ब्लड हमेशा सेल में एंटर कर सकता है जब तक कि दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल नहीं हो जाती या जब तक सेल की रिक्वायरमेंट मीट आउट नहीं हो जाती। सो दिस इज अ बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेटेड विद द फॉस्फोराइलेशन। इसके अलावा फॉस्फोराइलेटेड जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है ये कैटालिसिस प्रोसेस को भी हेल्प करता है। ग्लाइकोलिसिस का जो प्रोसेस है ये 2 फेजेस में होता है, प्रिपरेटरी फेज एंड पे ऑफ फेज। यहाँ पे आप देखेंगे प्रिपरेटरी फेज। तो प्रिपरेटरी फेज में क्या होता है, फॉस्फोराइलेशन होता है ग्लूकोज मॉलिक्यूल का, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स जो होती हैं यहाँ पे गेट फॉस्फोराइलेटेड, फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस होता है। इसके बाद में इसका कन्वर्जन होता है फ्रक्टोज में, फ्रक्टोज में फिर से फॉस्फोराइलेशन का प्रोसेस होता है और अल्टीमेटली ग्लिसरेडीहाइड 3-फॉस्फेट का जनरेशन होता है। तो प्रिपरेटरी फेज में हमने यहाँ पे देखा कि 2 ATP मॉलिक्यूल्स हमारे एक्सपेंड होते हैं और एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है ये 2 मॉलिक्यूल ग्लिसरेडीहाइड 3-फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। दिस इज द पे ऑफ फेज। पे ऑफ फेज में ग्लिसरेडीहाइड 3-फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल्स जो है ये पाइरूवेट के 2 मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं। इस पूरी प्रोसेस में हमें 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP मिलते हैं, साथ ही साथ हमें 2 NADH मॉलिक्यूल्स का भी जनरेशन होता है, ठीक है। तो फॉस्फोराइलेशन का प्रोसेस मीन्स, फॉस्फोराइलेशन मीन्स प्रोडक्शन ऑफ ATP, ठीक है। ये 2 तरीके से होता है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हो सकता है या सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हो सकता है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन ऑक्सीजन पे डिपेंड करता है, जैसे कि आप फर्स्ट केस देख रहे हैं जिसमें NADH जनरेट हुआ है। ये NADH अभी हमने जब फर्स्ट स्लाइड
समझी थी, उसमें हमने ये देखा था कि NADH जो है वो यूनिवर्सल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, यहाँ से इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को लिया और अब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाएंगे और वहाँ पे अपना इस इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे और ATP का सिंथेसिस करेंगे। तो अगर इस तरह से ATP का सिंथेसिस होता है बाय द हेल्प ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, तो हम इसे कहते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। नेक्स्ट जो आप दो रिएक्शंस देख रहे हैं जिसमें एटीपी का जनरेशन डायरेक्ट हो रहा है एट द लेवल ऑफ सबस्ट्रेट, ठीक है, तो सबस्ट्रेट अगर डायरेक्टली एटीपी का सिंथेसिस करा रहा है तो हम इसे क्या कहते हैं, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। सो दिस इज होल अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड विद द मेटाबोलिज्म, रिलेटेड विद द ग्लाइकोलिसिस। डिफरेंट टर्म्स को हमने यहाँ पे समझा, कैटाबोलिज्म क्या है, एनाबोलिज्म क्या है, यूनिवर्सल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स क्या है, डोनेटर क्या है, डिहाइड्रोजिनेसिस एंजाइम्स को हमने देखा, हमने मेटाबॉलिज्म की जो बेसिक कंसेप्ट हैं उसको समझा कहाँ पे होती है और क्या इसका एक क्राइटेरिया रहता है कि किस तरह से रेगुलेट होंगी ये, कमिटेड स्टेप्स हैं, रेगुलेटेड स्टेप्स हैं, ये सब हमने देखा। ग्लाइकोलिसिस में दो जो प्रिपरेटरी फेज, पे ऑफ फेज, इनको हमने एक ओवरव्यू लिया है, ठीक है। इसके अलावा हमने सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन क्या है और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्या है इसको समझा है। तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेटेड विद द ग्लाइकोलिसिस। नेक्स्ट जो हमारा ग्लाइकोलिसिस का पोर्शन है उसमें हम वन बाय वन ये सारी जो 10 रिएक्शंस हैं इनको स्टडी करेंगे, इनका रेगुलेशन देखेंगे और इसके इंपॉर्टेंस को समझेंगे। थैंक यू।